दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद तकी और आप देख रहे हैं तकी ऑटो वर्कशॉप। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जाने ये चक्का का बैरिंग टूट चुका है। आज हम आपको देख सकते हैं जो बैरिंग है, बैरिंग टूटने के बाद में इस तरह से ड्रम मारने लगता है और चक्का गर्म होने लगता है। आप जब भी खोलेंगे इस तरह से इसे चेक करें। ये देखिए, इस गाड़ी का बैरिंग टूट चुका है। चलिए हम आपको इसको खोल के कैसे चेंज करते हैं बताते हैं खोलने के बाद। सुना, रेडी। ये देख सकते हैं, इस तरह से कपलिंग रबर जो है एक्सल हटाना पड़ता है। एक साइड हटाने के बाद में इसे हम आपको फिर एक्सल हटाने के बाद में हम आपको फिर दिखाएंगे कैसे खोलेंगे। ये देखिए, हमने 27 नंबर का ये गोटी लिया है, 27 नंबर का ये बोल्ट है। अब ये खुलेगा किधर ये भी हम बताएंगे आपको। गोटी लगा लेना है इस तरह से। बहुत से लोग इसको खोलते हैं भैया उल्टा, इस तरह नीचे के साइड में इसको इस तरह से। ये देखिए, ये खुल चुका है। अब हम इसे आसानी से खोल के निकालेंगे। देख सकते हैं ये हमारा 27 नंबर का नट खुल चुका है। अब ये फाइनली एक्सल खुल चुका है। अब देखिए, इस फलेन जो चिड़िया है कैसे निकालें। धीरे धीरे इस तरह से बोल्ट पे हथौड़ी मारना है। ये देखिए, ये फाइनली खुल चुका है। ये देखिए, उसके बाद ये हब की जो चार नट है, एक दो इस तरफ, दो है चार, चारों हमने खोल लेना है। उसके बाद ये हमारा निकल जाएगा। चलिए खोलने के बाद दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं, ये हमने हब एक्सल निकाला, ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये देखिए, ध्यान नहीं देने के वजह से इस तरह का होता है। ये देखिए, यहाँ पे हब जो है फट चुका है। इसकी एक्सल के भी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ये देख सकते हैं, पूरा मार खा गया है। अब इस सिचुएशन में हम इसमें बैरिंग तो नहीं लगाएंगे, पूरा सेट असेंबल ही लगाएंगे। जैसे हब हो गया, एक्सल हो गया, सारा वॉयल सील हो गया, ग्रीस फिर से नया भर के पूरा असेंबल उसके बाद डालेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमने एक, मेरे पास में एक पुराना हब एक्सल पूरा कंप्लीट था। भाई ने कहा नया अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें सेकेंड हैंड पूरा असेंबली ही लगा दिया। अब ये देखिए, इस तरह से इसमें एक भी ढक नहीं है। अब ये आराम से ये चलेगा, ना इसमें गर्म होने का कोई शिकायत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह का हमारा वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।